इतना मुंह देखौल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतना चापलूसी बा, इतना ड्रामा बा, इतना मुंह देख के आदमी एजा मने नाटक करे ले कि हम बता नहीं सकत रुआ सब के। आवे वाला जे भी कलाकार बंधु बा या जेकरा भी भविष्य बनावे के बा, भाई बहुत परेशानी हुई। हम पहले बोलता नहीं कि बहुत सारा बात हुई, बहुत सारा कष्ट हुई, बहुत परेशानी हुई, लेकिन रउरा सब के बस एक चीज ध्यान रखे के बाकी आपन हिम्मत नहीं छोड़े के। 14 साल से मेहनत करत करत, सबके टॉर्चरिंग, सबके प्रेशर, सबके बात, हमके हमारा इंडस्ट्री में लोग का ना बोलल, का ना बोलल। हम कान से जब सुनत रही ना तो लागत रहे कि शायद हम, शायद कभी कभी दिल करत रहे कि हम सुसाइड कर ले। कभी कभी लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं। लोग इतना मुझे टॉर्चर किए हैं इस इंडस्ट्री में, मैं भावुक हो जाता था, रो देता था कि लोग मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। आज इसीलिए मैं भावुक हो कि आप लोग से लाइव आया हूं, और मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप जैसे श्रोता भगवान, जब तक भगवान रूपी श्रोता का आशीर्वाद रहेगा, किसी कलाकार को टॉर्चर होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा काम छीन सकते हैं, हमारा सिनेमा छीन सकते हैं, हमारा एल्बम प्रेशर में बंद करा सकते हैं, हमारे लिए 10 जगह गेम कर सकते हैं, इनके चमचे बेलचे 50 को गाली दे सकते हैं फेसबुक पे, मैसेज पे, ये ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप जैसा परिवार, आप जैसा भाई, माँ, बहन, चाचा, चाची जब सुनेंगे राकेश मिश्रा को, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरे भाई। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, ये वीडियो है बेसिकली अगर हम बात करें तो भोजपुरी के सुपरस्टार गायक राकेश मिश्रा का। राकेश मिश्रा जी हैं, इनका एक गाना जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, और इस गाने का नाम है ये राजा जाइना बहरिया, और ये गाना जो है पूरे देश में 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। यानी कि भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर, हॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर भोजपुरी तक सारे अगर इंडस्ट्री को मिला दिया जाए तो ये गाना जो है 5 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, और इस गाने से राकेश मिश्रा जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, और इस गाने पर अब तक लगभग 52 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुका है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राकेश मिश्रा का ये गाना कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और ट्रेंड करने के दौरान भी, इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी, एक दिन यानी कि कुछ दिन, एक दो दिन पहले राकेश मिश्रा फेसबुक पर लाइव आए थे, जो कि आपने वीडियो देखा था, और उस वीडियो में किस तरीके से भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारों पर आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी उभरते सितारों को दबाया जाता है, क्या ऐसा नहीं बोला जाता है जिसके चलते ऐसा लगता है कि उसको छूने के बाद जो है आदमी सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा और इस इंडस्ट्री से अलविदा ले लेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनकी भड़ास और जो इनका दुख है राकेश मिश्रा का, वो कितना बड़ा है। लेकिन सबसे खूबसूरत की बात यह है कि इसके समर्थन में अब जो है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आ गए हैं। दरअसल फेसबुक लाइव के माध्यम से नहीं, बल्कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि राकेश मिश्रा जी, आप मेहनत करते रहें, आप सफल होते रहें, और सफल होने का बस एक ही कुंजी है, और वो है सफलत। सकारात्मक सोच के साथ जो है आप अपनी मेहनत करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बात करें तो राकेश मिश्रा पवन सिंह को अपना गुरु भी मानते हैं, और कई जगहों पर साथ में मंच पर साझा करते, एक साथ स्टेज पर साझा करते भी मंच को नजर आते हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले बैंकॉक में राकेश मिश्रा और पवन सिंह की मस्ती की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो ये रहा पवन सिंह का अंदाज, जिसमें कि वो भोजपुरी के उभरते सितारे, भोजपुरी के सुपरस्टार यानी कि राकेश मिश्रा को संतावना दे रहे हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होना नहीं चाहिए, हर एक दूसरे को मिलजुल के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हर कोई आगे बढ़े, और जो ज़्यादा मेहनत करेगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा आगे बढ़ गया। बाकी राकेश मिश्रा का अगर आप ये गाना, ये राजा जाइना बहरिया अगर आपने सुना होगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।